प्रोफेसर अनिल शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल शर्मा जी, इस लाइव डेमो से क्या संकेत मिल रहा है आपको? देखिए, आप ये देखिए कितने करोड़ वैक्सीन लगे हैं पूरे विश्व के अंदर जी। और कितने लोगों को वैक्सीन ये मैग्नेट हो रहा है। हाँ। और इस तरह की खबर एक बार जब को सोशल मीडिया में ये शुरुआत हुई अमेरिका से, ओहायो के अंदर, क्लीवलैंड से, उसके बाद सब जगह चिपकने लग गए। हाँ। तो ये ऐसा क्या हुआ कि पिछले जो जब से वैक्सीन पिछले अपने इंडिया में भी 16 जनवरी से लग रहे हैं और 20-22 करोड़ लग गए हैं, तो जब तक कुछ चिपका नहीं किसी को, और सडनली एक खबर आती है अमेरिका से कि सिक्के चिपक रहे हैं तो सबके चिपकने लग जाते हैं। हाँ। तो ये एक साइंटिफिक तर्क नहीं लगता है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा आपकी, वैक्सीन की ट्रायल्स कैसे होती है। पहले जानवरों पे होती है, सुरक्षा होने के बाद, सक्सेस होने के बाद, एफिकेसी देखने के बाद इंसानों में फेज वन ट्रायल होती है। फेज वन ट्रायल में सिर्फ हम रिस्क देखते हैं कि जैसे समझिए हमने 200-500 लिए और उसमें कोई रिस्क देखा कि कोई बीमारी की नहीं है। एक बार पूरी तरह से सेफ होने के बाद फेज टू ट्रायल, जिसमें हम एफिकेसी देखते हैं, और फेज थ्री ट्रायल यानी हजारों में, 10,000-20,000 बड़े लेवल के ऊपर हम ट्रायल करते हैं। अब तो करोड़ों की स्टडी हो चुकी है बाहर, करोड़ों लोग आ चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एक स्टडी, एक व्हाट्सएप न्यूज के आने के बाद सडनली सबके चिपकने लगे इसका इससे ताल्लुक है। और बहुत से लोगों ने जिनको वैक्सीन नहीं लिया उन्होंने भी दिखाया चिपका के, तो मुझे नहीं लगता इसका वैक्सीन से कोई ताल्लुक है। बाकी शरीर में इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, मैग्नेट भी होती है, किसी में कम किसी में ज्यादा। सबको वैक्सीन लगाना जरूरी है, यही हमारा आज का ध्येय होना चाहिए। और इस कार्यक्रम का अगर मैं सार बोलूं तो सब में इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिसिटी, मैग्नेटिक पावर है, लेकिन वैक्सीन से कोई खतरा नहीं है, वैक्सीन जरूर लगवाएं। बिल्कुल सही बात है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खबरों से दूर रहें, डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कुमार, ये बताइए कि इस तरह के लोग जो ये शिकायत करें कि मैग्नेटिक फील्ड का एहसास हो रहा है, चुंबकीय शक्तियां बढ़ गई हैं शरीर में, वैक्सीनेशन को तो दरकिनार अलग हम रख देते हैं, थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं, क्या इससे पहले कभी इस तरह के लोग आपके पास आए कि ऐसा एहसास हो रहा है? नहीं, देखिए, बहुत ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कंप्लेन करते हैं कि हमको छूने से करंट लगता है। तो जैसा डॉक्टर अनिल शर्मा ने भी आपको बताया कि यहाँ तो एक एक कोशिकाओं में करंट है, डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन से ही पूरा कार्डियक मसल्स और ये जो हार्ट बीट जनरेट होता है, ये सारी थ्योरी है। बट ये कोई मैनिफेस्ट ऐसे नहीं होता कि आपके शरीर में चम्मच चिपकने लगेगा या आपके सिक्के चिपकने लगेंगे, इस तरह का कोई नहीं होता है। आप कभी कभी देखते हैं कपड़े उतारते हैं तो बालों के घर्षण की वजह से भी उसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है और लोगों को छूने से करंट लगता है। तो ये चीजें साइंस है, बट ये कहना कि ये सारी चीजें वैक्सीन के बाद शुरू हो गई है, जैसा प्रोफेसर साहब ने भी आपको बताया कि वैक्सीन 3 स्ट्रिंजेंट ट्रायल से गुजर के आता है, साइड इफेक्ट्स, एफिकेसी, इम्यूनोजेनिसिटी, सारी चीजें देखी जाती है। और मैं कहूंगा कि जो एग्जैक्ट टर्म है PIV बोलते हैं, साइकोजेनिक जो एक डिजीज होती है आफ्टर इम्यूनाइजेशन, साइकोजेनिक इलनेस आफ्टर इम्यूनाइजेशन, और ये सोशल मीडिया से बड़ी ज्यादा सपोर्ट होती है। जैसे एक आदमी को अगर ऐसा लगा कि वैक्सीन के बाद हमारा ये प्रॉब्लम हो रहा है तो हर आदमी उसको करता है। और आप कहीं भी कोई चीज चिपकाते हैं तो जब तक गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी से वो नहीं नीचे गिरेगा, अगर आपकी जो चिपचिपाहट है या विस्कोसिटी है स्वेट की वो ज्यादा है, थोड़ा देर चिपका रहेगा, आपने देखा खड़ा करके आपने देखा उतनी चीजें नीचे गिर गई, सिक्के नीचे गिर गए। तो ये एक साइंस है, तो इसको इतना सीरियसली लेने की बात नहीं। और वैक्सीन से कोरिलेट करना तो बिल्कुल ही, मैं तो एक और भी स्ट्रांग वर्ड यूज करूंगा कि बेवकूफी है। निराधार तो है ही, तर्कसंगत नहीं है, बट ये बेवकूफी भी है। इस तरह की बातों में नहीं आना है, वैक्सीन ही हमारा हथियार है कोरोना से लड़ने का। और बाकी लोग भी जैसे वो मान रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने इसको जो मैग्नेटिज्म जो डेवलप हुआ उसको सेल्फ लिमिटिंग डिजीज मान रहे हैं, एक दो दिन में कम हो गया, और वे मान रहे हैं कि वैक्सीन ही जो है हमें कोरोना से बचाएगा। तो वो लोग भी मान रहे हैं कि सब लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए। तो यही मैसेज मैं आपके चैनल के माध्यम से देता हूँ, वैक्सीन सेफ है, सब वैक्सीन सेफ है, जो आपको उपलब्ध है उसको अपने क्रम के, अपने जब आपका आता है समय उस समय जाके लगवाएं, और पूरे देश को और अपने आप को कोरोना से बचाएं। बिल्कुल, अफवाहों से दूर रहने की जरूरत है, फर्जी खबरों पर विश्वास बिल्कुल मत कीजिए, और वैक्सीन से बचने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये बहुत बड़े हथियार कोविशील्ड और कोवैक्सीन के रूप में हमें मिले हैं, और वैक्सीन लगवाना आप सबके लिए बहुत बहुत जरूरी है। नरहरि कुलकर्णी जी हमारे साथ मौजूद हैं। कुलकर्णी जी, ऐसे में आप जैसे लोग आगे आए और खुद ये बताएं, जिन्होंने ये मैग्नेटिक पावर, सो कॉल्ड मैग्नेटिक पावर का एहसास किया, बहुत जरूरी हो जाता है कि भाई वैक्सीनेशन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, एक बार अगर फिर आप हमें दिखा सकें कि अभी भी क्या कुछ चीजें आपके शरीर से चिपक रही हैं, खड़े होकर अगर आप दिखा पाए, या बिल्कुल
वो शक्ति जा चुकी है जी, दिखाइए। पावर कम हुई है, बिल्कुल पावर कम हो गई। दाहिने तरफ की जो हाथ में आपके जो सिक्के और जो चाबियां चिपक रही थी वो बिल्कुल नहीं चिपक रही, और अब तो मुझे लग रहा है बाईं तरफ भी नहीं चिपक रही, गिर जा रही। गिर जा रही है। सभी लोगों ने, भारतवासी लोगों ने दोनों भी वैक्सीन डोज जरूर जरूर लेना पड़ेगा, ले लो सभी भारत के भारतवासी लोग। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।